अस्सलाम वालेकुम। जंगल एक्शन में एनए 109 और पीपी 127 में शिकस्त के बाद मौलाना अहमद लुधियानवी का मौकफ सामने आ गया है। मौलाना अहमद लुधियानवी जमात छोड़ने वालों से शदीद नाराज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और घंटी के बटन को दबाकर आल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मौलाना अहमद लुधियानवी का कहना था कि मैं जमात का सरबराह हूँ और मुझे जमात ने इलेक्शन लड़ने के लिए जंग में रखा हुआ है। अगर मुझे जमात कह दे कि आप जंग छोड़कर चले जाएं तो मैं चला जाऊंगा। मेरी शिकस्त पर जो लोग खुशियां मना रहे हैं उन्हें ये खुशी हजम नहीं होगी। मैंने दोनों बच्चों मसरूर नवाज और माविया आजम को एक एक बार एमपी बनवा लिया है और दोनों मेरे ही खिलाफ बातें करते हैं। मौलाना अहमद लुधियानवी ने कहा है कि मैं तो जमात की ड्यूटी अदा कर रहा हूँ जो जमात ने मेरी लगाई हुई है। मैं जंग से निकलता हूँ तो मेरा प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है और जब मैं जंग में आता हूँ तो मैं खुद लोगों को जाकर मिलता हूँ। लोग मेरे बारे में कहते हैं कि ये बाबा अभी तक जिंदा क्यों है, ये मरता क्यों नहीं। मैं किसी के चाहने से नहीं मर सकता। जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदा रखना है मैं जिंदा रहूंगा। अल्लाह ताला ने मुझे लंबी जिंदगी दी हुई है, ये उसकी नेमत है। मौलाना अहमद लुधियानवी का मजीद ये कहना था कि मुझ पर जो इल्जामात लगाए जाते हैं उनमें से कोई एक साबित हो जाए तो मुझे जो सजा दी जाए मैं कबूल करने को तैयार हूँ। मौलाना अहमद लुधियानवी का कहना था कि जिसको मेरे साथ इख्तलाफ है वो बैठ कर मुझसे सवाल करे, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। सड़कों और जलसों में मेरे खिलाफ गुफ्तगु करने से कोई फायदा नहीं होगा। मौलाना अहमद लुधियानवी का कहना था कि जो नामों से सहाबा बिल पास हो चुका है मैं उसे असेंबली से बाहर रहकर भी इंशाल्लाह कानून का हिस्सा बनवाऊंगा। मौलाना अहमद लुधियानवी का कहना था कि इलेक्शन गुजर गया, पहले भी हुकूमतें बनी और खत्म हो गई, लेकिन हम आज भी रोजाना जलसों और आवाम से खिताब करते हैं और आवाम हमसे मोहब्बत करती है। आखिर भी उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया और मुझे सपोर्ट किया मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें शाबाश देता हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।